नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष एजुकेशन समाचार पर। इस समय की बड़ी अच्छी खुशखबरी, रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड के अभ्यर्थियों के लिए जल्द आ सकता है थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम। जी हाँ, आइए शुरू करते हैं इस समय की बड़ी महत्वपूर्ण खबर को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो आशीष एजुकेशन समाचार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आप सभी प्रकार की एजुकेशनल न्यूज, रोजगार समाचार, विभागीय योजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले सटीक और विस्तृत रूप में प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस समय की बड़ी महत्वपूर्ण खबर के साथ यह वीडियो। बीकानेर से इस समय की बड़ी महत्वपूर्ण खबर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम जल्द करने के संकेत आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने 22 मार्च को शहीद स्मारक पर आंदोलन करने का ऐलान किया है, और यह किस वजह से किया है, इस सभी की महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाने वाली है। बने रहें हमारे साथ इससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए। महासंघ से जुड़े बेरोजगारों ने कहा कि थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा का परिणाम पहले जारी करने को लेकर बेरोजगारों में आक्रोश का माहौल है। यानी बेरोजगारों का यह कहना है कि पहले थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी न हो, क्योंकि आरपीएससी की ओर से फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा पहले आयोजित हुई थी, तो आरपीएससी पहले वह परिणाम जारी करे। तो इस वजह से 22 मार्च को शहीद स्मारक पर आंदोलन करने का उन्होंने ऐलान किया है। आइए जान लेते हैं और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इससे संबंधित। बेरोजगारों का कहना है कि चयन बोर्ड फर्स्ट और सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा पहले करवाई थी, उसके बाद थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया, जबकि बोर्ड थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर रहा है। इसी को लेकर प्रदेश के बेरोजगारों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बेरोजगारों का कहना है कि पहले फर्स्ट ग्रेड, उसके बाद में सेकंड ग्रेड और उसके बाद में थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करना चाहिए। यह सभी बेरोजगारों की जो है आंदोलन के प्रति आक्रोश है उनमें। उसके बाद थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा जारी हो। इसी के साथ ही महासंघ का कहना कि बजट घोषणाओं में सरकार ने बेरोजगारों को राहत देते हुए जो 1,00,000 नौकरियों की घोषणा की है, लेकिन उनका विभाग बंटवारा अभी तक नहीं किया गया है। इसी के साथ भर्ती परीक्षाओं का जो है कैलेंडर भी सरकार जल्द से जल्द जारी करे। ये सभी जो है युवा बेरोजगारों का आक्रोश बना हुआ है इस बात को लेकर के। तो आशा कर रहे हैं कि जल्द ही आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी किया जाएगा, उसके बाद में जो है थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी होगा। आइए ले चलते हैं आज की दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए, आपको बने रहे हमारे साथ। जी हां दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण 10 प्रश्न दे रखे हैं और उनके आंसर भी दिए हुए हैं, जो कि आपकी आगे आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आप इनका एक बार अवलोकन जरूर कर लें, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके आंसर इसमें दिए गए हैं। आशा करता हूं आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार की एजुकेशन न्यूज, रोजगार समाचार, विभागीय योजनाओं की जानकारी सबसे पहले सटीक और विस्तृत रूप में प्राप्त करने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।